नमस्कार दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड के बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हम देखेंगे और वन बाय वन सॉल्व करेंगे चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एस्कोमाइसिटीज तो एस्कोमाइसिटीज क्लास है फंगस का ये क्या कर रहा है माइसीलियम इज़ ब्रांसड एंड सेप्टेड तो ये भी सही है क्योंकि माइसिलियम जो एस्कोमाइसिटीज के होते हैं वो ब्रांच और सेप्टेट होते हैं सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इंडोजिनसली यस एस्को स्पोर जो होता है वो इंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है तो ये भी सही है चलिए आगे दे हैव सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच कैरी टेक्स प्लेस ये भी है एस्कस रिडक्शन डिविजन अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म्स कोनेडिया तो यही आपका इनकरेक्ट है रिडक्शन डिविजन कोनेडिया में नहीं होता है ठीक है तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो है रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन फ्रूटिंग बॉडीज एंड फॉर्म कोडियन तो ये रिडक्शन डिवीजन को मतलब फ्रूटिंग बॉडी में नहीं होता तो इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट मीन ये आपका करेक्ट आंसर होगा चलिए सेकेंड देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड विद द सो बसिडियोमाइसिटिस में कौन कौन आता है मशरूम अस्टिलेगो एंड एस्परजिलस नहीं एस्परजिलस तो आपका एस्कोमाइसिटीज में आता है जहाँ पर एस्परजिलस दिया है वो नहीं कंसिडर किया है पब बालस एगेकस एंड एस्परजिलस वही भी नहीं है एस्टिलेगो एस्परजिलस एगेरिकस नहीं है क्योंकि मैंने बताया था एस्परजिलस जो है वो एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है मशरूम अस्टिलेगो एगेरिकस तो ये सही है क्योंकि आपके जो ऑप्शन में एस्परजिलस यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है यहाँ भी दिया है बट यहाँ पर नहीं दिया है तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा मशरूम अस्टिलेगो एगरिकस जो बसीडियोमाइसिटीज क्लास से बिलोंग करते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए थर्ड थोड़ा सा इजी uh, है बट इम्पोर्टेंट uh, भी है विच सेट ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाई मेम्बर्स ऑफ बसीडियोमाइसिटीज रस्ट एंड स्मट जी रस्ट एंड स्मस्ट काज बाई द बसिडियोमाइसिटीज अरगाट एंड नहीं अरगाट एंड रस्ट नहीं और पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट नहीं तो आपका जो करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा रस्ट एंड स्मट डिजीज कॉज्ड बाय द बसीडियो माई तो ये एन बेस्ड है हमने बताया था आपको कि एन बेस्ड ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे और इजी भी है थोड़ा सा मतलब इतना इजी मत लीजिएगा लेकिन ईजी है आपके लिए क्योंकि एन अगर आपने क्लियर कट स्टडी किया है तो आप आसानी से कर सकते हैं चौथा देखिए फनजाइम परफेक्ट आई है तो स्टेटमेंट एन सी आर टी का मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज नहीं मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज नहीं मेंबर ऑफ बसीडियोज नहीं मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज जी हाँ ड्यूट्रोमाइसिटीज को ही फनजाइम परफेक्ट आई कहा जाता है तो इसलिए चौथा ये सही माना जाएगा ठीक है चलिए विच इज़ नॉट फाउंड इन द मेंबर ऑफ ड्यूट्रोमाइसिटीज ए सेक्सुअल प्रोडक्शन पाया जाता है सभी फंगस में पाया जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये भी मतलब ड्यूट्रोमाइसिटिस में तो न्यूट्रिशन ये पूछ रहा है जो ड्यूट्रोमाइसिटिस में नहीं पा जाता तो बिना न्यूट्रिशन का फंगस कैसे कोई भी लिविंग बींग्स विदाउट न्यूट्रिशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सरवाइव स्ट्रक्चर ऑफ माइसिलियम तो ये भी नहीं है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एबसेंट होता है ये इसमें नहीं पाया जाता है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका

ब्लैक रस्ट ऑफ इट ये भी फंगस से काज होता है अरगाट ऑफ राई ये भी फंगस से काज होता है रेड रस्ट ऑफ पी ये फंगस से नहीं काज होता है ठीक है तो रेड रस्ट ऑफ पी फंगस से काज नहीं होता है तो इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो रेड रस्ट ऑफ पी जो फंगस के द्वारा नहीं काज किया जाता है चलिए अगला देखिए सातवां क्वेश्चन नंबर सेवेंथ सेवेंथ भी आ, थोड़ा सा देख लेते हैं चलते हैं और धीरे धीरे करके इसको बहुत ईजी है या तो आपने पढ़ा ही होगा कि स्मिलर ने क्रिस्टलाइज किया तो वही बात कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो आपने पता पढ़ा है कि सेल थी में वायरस की बातें नहीं की जाती दैट आर कैरेक्टराइज बाई हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल मतलब जब वायरस किसी लिविंग के बॉडी में रहता है तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लाइक शुगर क्रिस्टल की तरफ पड़ा रहता है तो इसमें सीधा साइंस और मैंने बताई दिया है बैक्टीरिया नहीं होगा माइक्रोप्लाज्मा नहीं होगा वायरस ही होगा क्योंकि वायरस मैंने बताया था ये सेल थी में नहीं इंक्लूड किया जाता एक्सेप्शन माना जाता है और ये वेन इट इज़ लिविंग इन साइड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इट विल बी बीहेवस एज अ लिविंग बींग्स बट जब जब ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी रहेगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की तरह शुगर क्रिस्टल की तरह पड़ा रहता है तो लाइकन भी नहीं कंसीडर किया जाता है तो आपका जो करेक्ट आंसर माना जाएगा वो आपका होगा वायरस वायरस जिसको सब सबसे सब पहले मिलर ने क्रिस्टलाइज़ किया था ठीक है स्टैनले मिलर ने इसको क्रिस्टल फॉर्म में आइडेंटिफाई किया था ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ही है अभी हमने सात देखा है कुल अट्ठारह क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा और टाइम भी अच्छा खासा देना पड़ेगा चलिए सेलेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट लाइक एन आर एसोसिएशन बिटवीन एलगी इन फनजा जी हाँ ये तो सही है वायरसेस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया जी हाँ ये भी सही है वायरसेस आर ऑब्लीगेट पैरासाइट यस वायरस आर ऑब्लीगेट स्ट्रिक्टली दे आर ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं वायरस आर फैकल्टेटिव पैरासाइट जी नहीं वायरस फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं होते है. तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा तो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है यही वायरसेस आर फैकल्टी पैरासाइट मैंने बताया कि वायरसेस होस्ट स्पेसिफिक होते हैं तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन ठीक है चलिए मतलब यहाँ फॉल्स पूछा है तो यही आंसर होगा आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ देखिए नाइन्थ भी uh, ठीक ही है चलिए सॉल्व किया जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बैक्टीरियो दे आर जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायस नहीं दे आर जनरली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वारस यस जैसे अपने बैक्टेरियो फाज में टी टू टी फोर जो इवेंट सीरीज होती है उसमें आपका डबल स्टैंडर्ड डी एन ए पाया जाता है मोस्टली जो फाजेज होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड तो आपका करेक्ट आंसर किया जाएगा दे आर जनरली डबल स्टैंडर्ड डी एन ए वस जर्नली सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए नो एंड डबल स्टैंडर्ड आर एन ए नो तो आपका जो करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा वो बी होगा नाइन्थ का भी जो डबल स्टैंडर्ड स्ट डी बैक्टेरियो फाइज में पाए जाते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग देखते हैं टेंथ क्वेश्चन और जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है आपके पास समय भी नहीं है चलिए सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट वायर आर्ड फ्री इन्फेक्सिय सारण्य मॉलिक्यूल्स तो वायरड में तो फ्री इन्फेक्शियस इन्फेक्सारण्य होता है मतलब आरण्य मॉलिक्यूल रहता है लेकिन ये किसी से कवर नहीं होता है मतलब नेकेड आरण्य होता है तो ये तो सही है इट वॉज डिस्कवर्ड बाई टीओ डीनर जी हाँ डिनर के ही द्वारा डिस्कवर किया गया था इट काज पी एस टी बी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस वायरोयड डिजीज जी हाँ ये भी काज किया इट कंटेंस हाई मोलिकुलर वेट आरण्य नहीं नहीं जो वायरोड वायर होते हैं इसमें लो मोलिकुलर वेट ऑफ आरण्य होता है हाई नहीं होता है लो यहाँ पर आप क्लियर करिएगा कि कौन सा हाई uh, होता है या लो होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा इट कंटेन लो मॉलिकुलर वेट ऑफ आर तो इस तरह फोर्थ आपका जो कंसीडर किया जाएगा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू वायराइड चलिए इलेवेंथ देखते हैं हाँ इलेवेंथ क्या कहता है विच इज़ इनकरेक्ट अगेन इनकरेक्ट तो इनकरेक्ट अभी एन का पैटर्न या आप देखेंगे इनकरेक्ट नॉट करेक्ट और एक्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन बनते ही हैं तो हम लोग देखते हैं दी माइको प्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दट कम्प्लीटली लैक सेल वॉल जी हाँ माइको प्लाज्मा में वॉल नहीं होता इसलिए हम उसको जोगर ऑफ प्लांट किंगडम या माइक्रोबायलॉजी बोलते हैं माइको प्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन जी ये बिना ऑक्सीजन के ही जी जिंदा रह सकता है मीन्स एना ऑक्सीजनिक होता है माइको प्लाज्मा आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स ये भी करेक्ट है माइकोप्लाज्मा आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन नो अभी आपने पहले स्टेटमेंट में पढ़ा कि लैक ऑफ सेलवाल तो जब सेलवाल पेनिसिलिन किस पे काम करता है सेलवाल पे काम करता है अब जब सेलवाल ही नहीं होगी तो पेनिसिलिन के, के लिए कैसे सेंसिटिव होगा तो इसलिए आपका जो करेक्ट एंसुअ कंसीडर किया जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट माइको आर इनसेंसिटिव टू पेंसिलिन दैट वुड बी द करेक्ट बट ही माइको प्लाज्मा आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन तो इसलिए आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट uh, है विद द रिस्पेक्ट ऑफ माइक्रो प्लाज्मा क्योंकि ये इनसेंसिटिव होता है हमने बताया अभी सेलवाल इसमें नहीं पाए जाते है। ठीक है चलिए तो ये आपका ये ग्यारह नंबर हो गया अब हम लोग बारह की तरफ बढ़ते हैं और बारह देखिए बारह भी थोड़ा सा आपको ईजी ही पड़ेगा इंडो फंगस फाउंड इन पाइथियम नहीं म्यूकर नहीं ग्लोमस ग्लोमस एक फंगस होता है जिसमें इंडोमाइकोराइजा पाया जाता है मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ ही चुका है फ्रिक्वेंटली आस्कड ए क्वेश्चन है मीन फैक्ट्स तो आप इसको लर्न करिएगा ग्लोमस जो है माइकोराइजा एसोसिएशन का फंगस है ठीक है चलिए तो इस तरह हमने ट्वेल्व देखा अभी छः और हैं छः जल्दी से ख़त्म करते हैं थर्टीन देखिए थर्टीन तो आपका एक ही है और इसमें एक ही स्लाइड में है जनरली प्लांट वायरसेस तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट जो एनिमल वायरसेस होते हैं उनको एम एडिनो वायरसेस बोलते हैं वो डीएनए से बने होते हैं और जो प्लांट वायरसेस होते हैं मोस्टली एसएस आरएनए से बने होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आर तो हमने आंसर बता दिया एक्सप्लेनेशन तो आप देख लीजिए जनरली प्लांट वायरसेस आर डबल स्टैंडर्ड डी वायरसेस नो सिंगल स्टैंडर्ड आर एन यस सिंगल स्टैंडर्ड डी एन ए वायरसेस नो डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरसेस नो तो आपका जो करेक्ट आंसर कंसीडर किया जाएगा वो आपका होगा बी सिंगल स्टैंडर्ड वायर आर एन ए वायरसेस को हम लोग प्लांट वायरसेस बोलते हैं जैसे आपने टी एम बी भी देखा होगा उसमें भी आपका टी एम बी आपने देखा होगा तो उसमें भी आपका वही रॉड शेप होता है और उसमें सिंगल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरसेस हो ठीक है चलिए तो अब थर्टीन हो गया और आते हैं फोर्टीन पे फोर्टीन देखिए फोर्टीन में क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वायरस तो ये भी इंक्लूड नहीं किया गया वायर ये भी इंक्लूड नहीं किया गया लाइक इन बात ही नहीं करता है प्रियॉन्स नहीं बात करता है तो आप फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में देखेंगे जो चीज़ें बात की जा रही हैं माइक्रोराइजा भी इंक्लूड कर सकते हैं ये सब उसने बात ही नहीं की है उसने मतलब किसने तो आर एच विट्टर ने प्रोफेसर आर एच विटिकर ने एटीन सिक्सटी नाइन आई थिंक सो सिक्सटी नाइन में उन्होंने प्रपोज किया था क्लासिफिकेशन तो ये जो क्लासिफिकेशन में इन्होंने ये सब चीज़ें बात नहीं की हैं वो मोनेरा प्रोटिस्टाफाई प्लानीन में लिया पाँच ही रखते हैं ठीक है तो इस तरह ये सब इसमें नहीं आते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर कंसिडर किया जाएगा आल ए बी सी डी सब इसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आते चलिए फिफ्टीन्थ देखिए फिफ्टी की फिफ्टींथ क्वेश्चन की हम लोग बातें कर लेते हैं फिफ्टीथ आपका uh, देख लिया जाता है चलिए सेलेक्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हमने कहा था कि एनसीआरटी का जो पैटर्न है इन करेक्ट इन करेक्ट नॉट ट्रू एक्सेप्ट मतलब सेंटेंस इजी होता है बट दे आर मेकिंग कन्फ्यूजिंग तो इस तरह आपका यहाँ पर पूछ रहा है अब किसके विषय में बात कर रहा है लाइक इंड के विषय में तो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है जी हाँ लाइकेन जो होता है एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है मोस्टली सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर किस टाइप की गैस एस ओ टू एस ओ टू सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इंडिकेटर एलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकोन लाइकेन इज नोन एड फाइकोबाइट जी हाँ फंगल कंपोनेंट माइकोबाट हाँ द एलगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज नोन एज द माइकोबायांट दिस इज द इनकरेक्ट इट इज़ वेरी इजी एवरी वन नो अबाउट दिस तो आपका जो फोर्थ कंसीडर किया जाएगा वो इनकरेक्ट होगा मीन्स करेक्ट आंसर यही कंसिडर किया जाएगा ठीक है तो आपका फोर्थ इज द करेक्ट आंसर अब <coughs> तीन और बचे हैं उसको हम लोग देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर की कहानी खत्म हो जाएगी चलिए तो आइए देखते हैं सेलेक्ट इन करेक्ट फेस इन करेक्ट डब्ल्यू एम स्टनले शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टिलाइज मैंने बता दिया पीछे इन एडिशन टू द प्रोटीन कोट वायरसेस ऑल्सो कंटेंट जेनटिक मेटीरियल आर एन ए और डी एन ए यस ये भी सही है द स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ कैप्सिड कॉल्ड कैप्सोमियर आप देखेंगे जो कैप्सिड होती है उसको कैप्सोमियर कहा जाता है तो ये भी सही है भाई प्रोटीन जो होता है उसको कैप्सोमियर कहते हैं द स्मॉलेस्ट सब यूनिट कैप्सिड आर कार्ड पेप्लोमर्स नहीं नहीं भाई पेप्लोमर्स नहीं कहा जाता है कैप्सिड को कैप्सोमियर आपने बोला तो फिर पेप्लोमर्स कैसे बोले तो इस तरह सिक्सटीन का जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो फोर्थ होगा स्मॉलेस्ट सब यूनिट ऑफ कैप्सिड आर कॉल्ड पेप्लोमर्स दैट इज नॉट ट्रू चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखते हैं सेवनटीन एटीन दो और बचे हैं तो आपका जल्दी से ये कवर हो जाएगा आइए विच एमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म किंग टू फाइव किंगडम प्रपोज्ड बाई द वेटिकर नाइनटीन सिक्सटी नाइन आई थिंक आई टोल्ड एटीन सिक्सटी नाइन नो दैट इज़ द नाइनटीन सिक्सटी नाइन आई हैव डाउट यू कैन चेक वट मीन्स विच इज़ द फैक्ट बट आई थिंक नाइन नॉटीन नाइनटीन दैट शुड बी दैक्ट ओके लेटमी चेक इफ इट विल बी द रॉन्ग देन आई विल रेक्टीफाई इट अगेन आइए तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल जी हाँ मतलब यूनीसेलर मल्टी सेलर इस तरह की बातें की गई फाइलोजेंटिक रिलेशनशिप लिए ही हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन आटोट्राफिक एट्रोट्रॉफिक आटो लिए ही हैं मेटाबोलिज्म इसको इन्होंने नहीं लिया है तो इस तरह ये जो पूछ रहा है कि जो नॉट क्राइटेरिया मतलब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा क्राइटेरिया नहीं है तो ये मेटाबॉलिज्म ही क्राइटेरिया नहीं आता तो इस तरह फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया चलिए अब लास्ट आते हैं और ये जल्द ही मतलब लास्ट है तो ख़त्म ही हो जाएगा इसके बाद फिर अगला चैप्टर कल बात करेंगे चलिए फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट किंगडम फनजाई प्रपोज्ड बाई द वेटेकर तो इसमें भी रॉन्ग पूछा है स्टेटमेंट जो वेटिकर क्लासिफिकेशन के बात नहीं करता तो यू कैरियोटिक ऑर्गेनिजम की बात करता है काइटिनियस सेलवॉल की बात करता है क्योंकि फंजाई के रिस्पेक्ट में बताना है तो फंजाई के रिस्पेक्ट में भाई यू कैरियोटिक ऑर्गेनजम होते ही है फंजाई काइटिनियस सेलवॉल भी होता है मल्टी सेलर विद डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम ये भी होता है हेड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं 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 हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन सप्रोफेटिक परासिटिक हाँ ये तो होता है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो चेंजेस आ रहा है वो आपका सी मींस थर्ड इज़ द ये पूछा है रॉन्ग स्टेटमेंट तो मल्टी सेलर तो होता है बट वेल डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम नहीं होता इसमें टिश्यू सिस्टम क्लियर कट नहीं होता इसमें आप देखेंगे हाई फी होता है हाई फी जो नेटवर्क की तरह होता है थ्रेड नेटवर्क ऑफ Uh, हाइफिको माइसीलियम बोला जाता है तो इस तरह यहाँ पर डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम नहीं होगा मल्टी सेलर तो होगा बट डिस्टिंक टिश्यू क्योंकि कुछ फंगाई जैसे आपने ईस्ट देखा होगा यूनिसेलर होते हैं तो सम फंगस आल्सो मल्टी सेलर ईस्ट और सिंट्रियम ये दोनों यूनिसलर होते हैं रिमेनिंग आर द मल्टीसलर बट दे डोंट हैव द वेल डिस्टिंक्ट टिश्यू सिस्टम तो इस तरह आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर तो ये रहे एटीन क्वेश्चन जो आपके नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आने वाले एग्ज़ाम क्यों लिए अच्छे से तैयारी करिए आप लोगों को बेस्ट लक थैंक यू